यहाँ पर आप व्यूअर हो, अभी आप यूट्यूब कर रहे हो, आप एक व्यूअर हो, ठीक है ना। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। सब्सक्राइबर्स को हाइड क्यों करना चाहिए, सब्सक्राइबर हाइड करने का फायदा क्या होता है, वो भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्सक्राइबर्स क्यों हाइड करना चाहिए, मतलब सब्सक्राइबर हाइड करने का फायदा। देखो गाइस, इस बात को मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, मैं आपको एग्जांपल देके अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पर आप व्यूअर हो, अभी आप यूट्यूबर नहीं हो, आप एक व्यूअर हो, ठीक है ना। आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, उसके कम सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। उसने अपने सब्सक्राइबर्स अनहाइड किए हुए हैं, मतलब उसके कम सब्सक्राइबर है, उसने हाइड नहीं किए हुए, तो फिर आप क्या उसे सब्सक्राइब करोगे? नहीं ना। तो सेम ऐसे ही वो व्यूअर भी करेगा। अगर आपका कम सब्सक्राइबर है एंड आपने उसे अनहाइड किया हुआ है, तो वो आपको सब्सक्राइब क्यों करेगा? सोचेगा नॉलेज तो कुछ है नहीं, इसलिए कम सब्सक्राइबर है, इसीलिए आपको सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहिए। सब्सक्राइबर हाइड करने का फायदा, जिससे कि अगर आपको सब्सक्राइब करेगा तो आपको सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी चैनल का ग्रोथ बढ़ सकता है। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो सब्सक्राइबर्स को हाइड करना होता है। बट उससे पहले चैनल पर पहली बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट करना, बिकॉज हमारे चैनल में ऐसी क्वालिटी करने वीडियो देखने को मिलती रहती है। एंड इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस, अभी मैं लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं कुछ बता दूँ किस तरीके से सब्सक्राइबर्स को हाइड करना होता है। व्हाट्सअप गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड आपको सिंपली यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। आप ये जो है अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूट्यूब को ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद। एंड देन जो आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा एंड डेस्कटॉप साइट को एनेबल कर लेना है आप सभी को वहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। सो गाइस, उसके बाद जो है आपको अपने लोगो पे क्लिक करना होगा, आपको अपने चैनल पे लोगो पे। तो सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो करके, आपको इसे इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गैस जो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपका। देन उसके बाद वो क्या करना है आपको सिंपली गाइस यहाँ पर सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करना है। सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको चैनल पे जाना है, चैनल पे क्लिक करना है, आपको जनरल के नीचे चैनल पे एंड एडवांस सेटिंग में चले जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सब्सक्राइबर काउंट करके, ये आपको ऑन रहेगा, ठीक को इस पर वापस टैप करो। सब्सक्राइबर काउंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सब्सक्राइब टू माय चैनल, जितने लोगों को सब्सक्राइब किया शो करेगा, तो उसे आपको हाइड करने के लिए इस पर वापस टिक करना है, शो नहीं करेगा। एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेव कर देना है। मैंने पहले से हाइड किए हुए थे तो यहाँ पर भी मेरे सेव नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। एंड इस वीडियो पे आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल को प्रेस करके भी शेयर करें, जो हमारे चैनल पर सी क्वालिटी की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। सो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी टॉपिक हो आपके माइंड में, कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो आप मुझसे। सो मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय।